नमस्कार दोस्तों, गेन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे दूर स्थित ग्रह प्लूटो के बारे में। दोस्तों, प्लूटो की खोज सन 1930 को एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बॉग ने किया, जब वो सिर्फ 24 साल के थे। लेकिन प्लूटो का नामकरण किया इंग्लैंड की एक 11 साल की लड़की ने। प्लूटो के पास 5 चंद्रमा है जो प्लूटो का परिक्रमा करता है, लेकिन 2003 को एस्ट्रोनॉमर माइकल ब्राउन ने प्लूटो से बड़ा एक नई चीज़ की खोज की, जिसे एरिस नाम दिया गया, और 2006 में प्लूटो को ग्रह के सूची से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट के सूचियों में दे दिया गया। प्लूटो का नाम रखा गया 1-3-4-3-4-0 प्लूटो। अगर हम प्लूटो के गठन के बारे में बात करें तो इसका सामूहिक 13,500 करोड़ बिलियन है। व्यास 2,368 किलोमीटर है। सतह का तापमात्रा करीब -229 डिग्री सेंटीग्रेड और सूरज से इसकी दूरी करीब 587 करोड़ 40 लाख किलोमीटर है। प्लूटो को सूरज का एक चक्कर काटने में करीब 248 साल का समय लग जाता है। प्लूटो के बारे में ऐसे और भी कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भविष्य में ऐसे कुछ मज़ेदार बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नासा के द्वारा जनवरी 2006 को लॉन्च किया गया न्यू होराइजन मिशन से प्लूटो के वातावरण के बारे में जो तथ्य मिले, उससे ये पता चलता है कि प्लूटो के सतह के ऊपर नाइट्रोजन गैस का एक चादर है। और हाल ही में प्लूटो के सतह में दिल जैसा एक आकार का चित्र मिलने से ये पता चला है प्लूटो का वो जगह बर्फ से ढका हुआ है जो जमे हुए मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना हुआ है। प्लूटो का एक दिन पृथ्वी के 6.4 दिन के समान होता है और पृथ्वी के मुकाबले उल्टे और सूरज का चक्कर काटता है। सौरमंडल में सिर्फ वेनस, नेपच्यून और प्लूटो पूरब से पश्चिम की ओर सूरज का चक्कर लगाता है, मतलब प्लूटो में हफ्ते में एक बार ही सूरज उगता है। प्लूटो में स्थित गड्ढों की बात करें तो ज़्यादातर गड्ढे 100 मिलियन सालों से ज़्यादा पुराने हैं और ये सब गड्ढे किसी प्रकार के बाहरी प्रभाव से मुक्त हैं। दोस्तों, प्लूटो में बर्फ से बना हुआ एक एक पर्वत सतह से करीब 11,000 फीट के ऊपर तक है, जो पृथ्वी के किसी भी पर्वत के चोटियों से बहुत ज़्यादा है। सूरज की रोशनी प्लूटो के सतह के ऊपर पहुंचने में 5 घंटे का समय लग जाता है, हालांकि पृथ्वी के सतह में करीब 8 मिनट का समय लगता है। 1978 को एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लूटो का एक सबसे बड़ा चंद्रमा कैरोन का खोज किया, जो आकार में प्लूटो का आधा माना जाता है। कैरोन और प्लूटो हमेशा एक दूसरे के एक ही तरफ होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लूटो और कैरोन के बीच चुंबकीय बल ज़्यादा होने के कारण दोनों का एक सतह हमेशा एक दूसरे के सामने होता है। रोमन माइथोलॉजी के अनुसार रोम में अधलोक के देवता और शनि ग्रह के पुत्र प्लूटो के नाम से ग्रह का नाम प्लूटो रखा गया है। तेजस्क्रिय धातु प्लूटोनियम का नाम प्लूटो के नाम अनुसार रखा गया है और डिज्नी के कार्टून कैरेक्टर्स से तो हर कोई परिचित है। दोस्तों, डिज्नी का कार्टून कैरेक्टर में एक कुत्ते का नाम प्लूटो रखा गया था, जो प्लूटो ग्रह के नामानुसार ही रखा गया था। 1930 में इसके आविष्कार होने के बाद से आज तक प्लूटो ने एक बार भी सूरज का चक्कर नहीं काटा है, क्योंकि प्लूटो को सूरज का एक चक्कर काटने में करीब 248 साल का समय लगता है और प्लूटो से सूरज का इतना दूर होने के कारण दिन और रात्रि के बीच समय का फर्क बहुत ज़्यादा होता है। 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट घोषित करने के बावजूद प्लूटो को अभी तक यूएस के न्यू मैक्सिको राज्य में कानूनन एक ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज इतना ही। मेरा आज का टॉपिक आपको कैसा लगा वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर बटन क्लिक करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।